शराब एक व्यक्ति को नहीं बल्कि कई जिंदगियों को बर्बाद कर देती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को समझते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में शराब की दुकानों पर 8 बजे के बाद बिक्री बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। राज्य में मद्य संयम की नीति को सशक्त बनाने तथा इसे प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार पूरी कटिबद्धता से कार्य कर रही है। यदि शराब की कोई दुकान रात 8 बजे बाद खुली पाई जाए तो जुर्माना लगाने, दुकान सील करने अथवा अनुज्ञा पत्र निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अशोक गहलोत ने अपनी पिछली सरकार में साल 2008 में मदय संयम को प्रोत्साहित करने के लिए रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी, जिसका आमजन में सकारात्मक संदेश गया था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा के साथ हुए समझौते की पालना सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के स्तर पर विशेष बैठक रखने के भी निर्देश दिए।